आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर रिचा श्रीवास्तव, एक कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और साथ में डाइटिशियन भी। इसके पहले जो मेरा वीडियो था वो स्लीप के ऊपर था और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके ऊपर और भी वीडियो लेकर आऊंगी, तो ये मेरा स्लीप के ऊपर नेक्स्ट वीडियो है। कि आप सब जानते हैं कि स्लीप मतलब कि नींद हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यक है। ये हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि हमारे लिए खाना या पानी पीना। डेली रूटीन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इससे समझ सकते हैं कि हम अपनी लाइफ का एक तिहाई भाग सिर्फ सोने में ही गुजार है। वो हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम सोते हैं तो उस वक्त हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी हमारी जो एनर्जी है उसको वापस रिस्टोर करती है। नींद में हमारे जो बॉडी के ऑल ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं और हमें वापस से नेक्स्ट डे जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हमें प्रॉपर नींद से ही मिलती है। अगर आपने खुद ही महसूस किया होगा, जब आप सोते नहीं हैं ढंग से, आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो नेक्स्ट डे आप बहुत थकान महसूस करते हैं और आपको बिल्कुल भी फ्रेशनेस फील नहीं होती, किसी काम में मन नहीं लगता और आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, जो आपकी क्षमता है, वो भी आपकी कम हो जाती है कार्य करने की। तो इस तरह से नींद हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि प्रॉपर वे में कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हमारे बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो इससे अफेक्ट होने लगेंगे। अब बात करते हैं कि नींद कितने टाइप की होती है। नींद को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसमें मेनली टू टाइप्स होते हैं, एक होती है REM, दूसरी होती है NREM। जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट है, ये जो पार्ट होता है, ये हमारी जो पूरी स्लीप होती है, जो उसका ड्यूरेशन होता है, उसका करीब 70-80% पार्ट को कवर करता है। और जो रैपिड आई मूवमेंट स्टेज होती है वो हमारी जो नींद है उसका 20-30% भाग कवर करती है। और जो ये रैपिड आई मूवमेंट है ये हमारी नींद का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और मोस्टली जो लोगों को सपने वगैरह ड्रीम्स जो आते हैं वो इसी फेज में आते हैं, इसे हम कह सकते हैं एक तरीके से डीप स्लीप। जैसे ही हम नींद में जाते हैं तो वहाँ पर जो होती है वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है फेज। इसके भी फिर 3 स्टेज होती है। अगर हम इनकी स्टेज में बहुत डिटेल में जाएंगे तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मोटे तौर पे आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि जब हम स्टार्ट करते हैं सोना, जब हम लेटते हैं, हमारी बॉडी माइंड को रिलैक्स करते हैं और उस वक्त जो होता है, जो हमारी आई बॉल्स होती है वो मूवमेंट नहीं करती है रैपिडली, उस समय वो जो होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं, हम धीरे धीरे नींद में चले जाते हैं। और इसमें अकॉर्डिंग टू स्टेज, जो इसकी मैंने बोला 3, उसमें चेंजेस धीरे धीरे होते रहते हैं। लेकिन जो डीप स्लीप मैंने बताई, रैपिड आई मूवमेंट जिसमें होता है, उसमें हमारी जो आई बॉल है, मीन्स जो हमारा जो आँख का जो गोला है, वो बहुत जल्दी जल्दी साइड साइड में मूव होता रहता है। हो सकता है आपने कभी महसूस किया हो, किसी कोई कोई सोता है तो उनकी पलक थोड़ी बहुत खुली रहती है तो अपन देखते हैं उसकी आँखें मूव हो रही हैं। तो जो रैपिड आई मूवमेंट होता है उस टाइम पे हमारी बॉडी जो है वो डीप स्लीप में चली जाती है और वही जो पार्ट होता है वही उतना ही पीरियड हमारी बॉडी को पूरा रिफ्रेश कर देता है और ख़ास तौर से हमारी मेमोरी को इन्हेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने उतना सा भी पीरियड अच्छे से अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आप नेक्स्ट डे बहुत रिफ्रेश महसूस करेंगे, खुद को ताजगी महसूस होगी आपके शरीर में। तो ये तो एक प्रॉपर वे में स्लीप का पैटर्न मैंने आपको बताया है। अब जो स्लीप है अगर ये प्रॉपर नहीं हो रही है, मीन्स आपको जो नींद है वो नहीं आ रही है आपको, तो इसके भी बहुत सारे कारण। आप फाइनेंशियल भी ले सकते हो, आर्थिक रूप से कोई परेशानी है या शारीरिक रूप से भी आपको परेशानी है या फिर आप मानसिक तौर पे परेशान हो, तो इसके जो होते हैं नींद आने के बहुत सारे कारण होते हैं। पैथी में जो मेडिसिन हैं उनको अगर आप लेते हैं इस बीमारी के लिए, जिनको नींद नहीं आती है, तो वो उससे आप बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगे। मीन्स आपको कोई ऐसी हैबिट नहीं लगेगी कि आपको वो नींद की दवाई खानी है तभी नींद आएगी। ये आप मेडिसिन लेंगे कुछ दिन बाद आपको ऑटोमेटिक नींद आएगी, आप धीरे धीरे इसकी आपको आपकी रूटीन बन जाएगी कि आप आराम से सोएं, फिर आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस पर आप डिपेंडेंट नहीं होंगे। इसलिए होम्योपैथी जो है बहुत ही सेफेस्ट होती है। इस वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट मैं और बनाऊंगी जिसमें आपको स्पेसिफिक में 5 मेडिसिन बताऊंगी जो अलग अलग कंडीशंस में हम दे सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन बता रही हूँ जो कि अगर कारण कुछ भी हो आपको वो तो लेना ही है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिस वीडियो जो स्लीप के ऊपर बनाऊंगी, मेडिसिन जो बताऊंगी, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इनका नाम है पैसिफ्लोरा इंसारनाटा, इसका मदर टिंचर। और आपको इस मेडिसिन की कम से कम 20-30 बूंद आधे कप गर्म पानी में लेना है और सोने के 1 घंटे पहले लेना है आपको, रात में जरूर। और अगर आप में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, तो आप इसको दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, नहीं तो सोने के 1 घंटे पहले आप इसको ले।
कारण कुछ भी हो, पैसिफ्लोरा बहुत अच्छा वर्क करती है नींद आने के केस में। इस मेडिसिन का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, साथ ही में डोज भी मेंशन कर दूंगी, तो आप इसे ले सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक बात जरूर ध्यान रखें कि आप जब भी इस मेडिसिन को लेकर आएं तो सील पैक लेकर आएं और किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें, जैसे कि एसपीएल हुआ, मेडिसिन हुआ, ट्रैकवेक हुआ, जो कोई भी आप ले सकते हैं जो आपको मिल जाए आसानी से, और सील पैक लेकर आएं। लगातार 15 दिन तो आपको लेना ही है, फिर उसके बाद आप अपने रिजल्ट देख लें और अकॉर्डिंग टू देम आप उसको बंद कर सकते हैं। अब इसका जो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी स्लीप के ऊपर, उसमें मैं आपको स्पेसिफिक 5 मेडिसिन बताऊंगी जिसे आप अलग अलग कंडीशन में यूज कर सकते हैं और उनके साथ आप इस मेडिसिन को भी यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।